नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ देवगांव थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव निहोरगंज में दुकान मालिक देवनाथ यादव पुत्र निहोरी यादव निवासी उपरोक्त द्वारा पुराने किरायेदार संगीता गुप्ता पति राजेश कुमार गुप्ता के दुकान में रखे सामान को मकान मालिक व शरारती तत्वों द्वारा सड़क पर फेंक दिया गया था। इस घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना देवगांव प्रभारी को उचित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु इनके द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज व स्थानीय पुलिस दुकान में सामान रखवाने हेतु गई थी। सामान रखवाते समय दुकान मालिक व अन्य शरारती तत्वों द्वारा पुलिस बल पर पथराव किया गया। पुलिस द्वारा शरारती तत्वों को भगाने हेतु हल्का पुलिस बल प्रयोग किया गया। घटना के संबंध में सरकारी कार्य में बाधा डालने व अवैधानिक रूप से दुकान खाली कराने के संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही थी। घटना में स्थिरता बरतने एवं अवैधानिक संलिप्तता प्रतीत होने पर प्रभारी निरीक्षक देवगांव संजय यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बाजार में किराए की दुकान में दुकान करने वाली महिला श्रीमती संगीता गुप्ता की दुकान को बिना प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया पूरी किए कल उसका सामान वहां के जो किराया दुकान के मालिक हैं, बाजार के मालिक हैं, उनके द्वारा उसका सामान सड़क पर निकाल कर फेंक दिया गया था। इस संबंध में मेरे द्वारा तत्काल प्रभारी निरीक्षक देवगांव संजय यादव को मौके पर भेजा गया था और उनसे इसमें उचित कानून कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। जिनके द्वारा उचित कानून कार्रवाई नहीं की गई, इस संबंध में मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक संजय यादव को उचित कार्रवाई न करने और दुकान खाली करने प्रथम दृष्टिया खाली कराने में प्रथम दृष्टिया संलिप्तता होने पर निलंबित किया गया है। और जब पुलिस द्वारा महिला का सामान पुनः दुकान में रखवाने का प्रयास किया गया तो जो बाजार के मालिक हैं और अन्य लोगों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस द्वारा भी हल्का बल प्रयोग कर किया गया है और इस संबंध में महिला का सामान दुकान जबरदस्ती खाली करके सामान सड़क पर फेंकने और पुलिस के कार्य में बाधा डालने और पुलिस पर पथराव करने से संबंधित मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।